I'm saying. I'm some. Front. Back. Stretch up. फिर से हम साइन अप फ्रंट बैक साइन नॉर्मल twisting twisting high knee Continue, continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Full arm cast, swing side to side. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue, continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1. Continue, continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cross count. Elbows on the knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuing at 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, continue, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Knees circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continue, 8, breathing, 9, 10, then reverse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punching front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ball body. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Punching up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Punching back. 1, 2, 3,
four, five, back, back, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बहुत बढ़िया, 16, 17, 18, 19, 20, then relax, single arms come up and down, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continue, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stretch it. Chest को expand करिए maximum. Breathing करो. हमें सामने देखिए. Again, I need 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good one, good thing. 7, 8, 9, 10. Sides. Side. Hmm? After, na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 फ्रंट आज आपको टाइम दिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या जायका बना रहे तुम्हारा से कुछ नया करा देते हैं वो फिर क्यों फोकस ब्रीदिंग पर अगर ठंडी भी लगे नाक से अगर ब्रीदिंग करते वक्त तो अपनी परसेंटेज कम कर दीजिएगा इनहेल की वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करिएगा ज़्यादा डीप ब्रीदिंग नहीं करनी आपको लगे ठीक लग रहा है तो फुल ब्रीदिंग करिए ब्रीदिंग का ये ध्यान रखिएगा एक्सहेल मैक्सिमम करिए जितना कर सकते हैं इनहेल कैपेसिटी 50 to 100 के बीच में जितना कर सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9 हल्का नेक ट्विस्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट आईज ओपन आंखें खुली हुई फोकस ब्रीदिंग पर रखिए ब्रीदिंग इतना करिए हल्की भी ठंडक ना लगे आपको नोज के द्वारा ऐसे साइड टू साइड ठंडी के मौसम में कोशिश करें जब भी खाली मोमेंट हो रिलैक्सेशन में तो एटलीस्ट आप फिस्ट बनाते रहे मुट्ठी बनाते रहे अपने हाथों से ये मूवमेंट आपको कंटिन्यू करना है पैरों के साथ टोज का मूवमेंट कर सकते हैं आप ऐसे हाफ सर्कल राइट एंड हाफ सर्कमफेरेंस राइट लेफ्ट आंखें खुली हुई इसका रीजन नहीं समझ आता आगे क्यों नहीं आगे इसलिए नहीं कराते क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा सर्वाइकल एरिया वर्टिगो जो है ना वैसे बैन भी हो चुकी है आगे की जेंट के साथ दिक्कत नहीं है लेडीज के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत है चलिए दोनों पैरों को ज्वाइन करिए इनहेल करते हुए आप स्ट्रेच करेंगे होल पूरा स्ट्रेच करते हुए टोज पे सामने देखेंगे होल 10, 9, 8, 7 ब्रीदिंग खास फुल ब्रीदिंग नहीं करनी हल्का सा थोड़ा शॉर्ट करेंगे अपनी ब्रीदिंग को 8, 9, 10 11 पूरा स्ट्रेच अप 13 बिल्कुल सामने मैंने कहा ना विदाउट ब्लिंक कोशिश किया करें देखने की 13, 14, 15 स्लोली डाउन 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 दोनों आपको इंटरलॉक हटाएंगे फिर वापस एंड डाउन हल्का सा किक करेंगे पैरों को ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट अपार्ट फीट इनहेल करते राइट साइड टर्न 90 डिग्री एंगल बनाइए नीज और आपके काफ में बिल्कुल सामने मिडिल फिंगर से देखते हुए फ्रंट एकदम बहुत बढ़िया होल्ड करेंगे 15 बिल्कुल विदाउट ब्लिंक कोशिश किया करिए जितना देख सकते हैं आप
14, प्रेशर डालो नीज पे, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्लोली वापस, स्लोली 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 स्लोली, आर्म्स को वेस्ट पे रखिए, अपार्ट फिट रखिए अभी, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, चेंज द अदर साइड, स्ट्रेच करते हुए, होल्ड करेंगे अपोजिट साइड, हाँ 15 सेकेंड, बहुत बढ़िया, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बहुत बढ़िया, वापस आएंगे, हल्का हल्का किक करेंगे, किक करिए पैर आर्म्स के हाथ, ये एटलीस्ट ये मूवमेंट करते रहिए कंटिन्यू, हाँ ये मूवमेंट नहीं छोड़ना आपको, फिर हल्का हल्का रनिंग एक बार चार्ज करिए, ज़्यादा फास्ट नहीं, नॉर्मल, बस आपको बॉडी का मूवमेंट्स कंटिन्यू करना है, टोज पे मूवमेंट करने की कोशिश करिए, आर्म्स अप, रिस्ट बिल्कुल लूज, आर्म साइड, रिस्ट लूज करिए, आर्म्स बैक लूज कर दिए, थोड़ी देर स्ट्रेच रखेंगे, ये स्ट्रेच आपकी चेस्ट पे पैक्ट, हाँ सामने की तरफ, स्ट्रेच की, देखिए यहीं आपके लंग्स और हार्ट, ये दो मेन ऑर्गन्स, स्ट्रेच आउट, फिर आर्म साइड, फेस काम, अप, नॉर्मल एंड रिलैक्स, रिलैक्स करते हुए डीप ब्रीदिंग, बोथ लेग को ज्वाइन करिए, दोनों आर्म्स को ज्वाइन करते हुए आप ले जाइए, पाम अपने सामने की तरफ, यहीं से सांस भरते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, बैक में आर्क बनाते हुए, होल्ड एटलीस्ट 15, लुक अप स्काई की तरफ देखने की कोशिश करिए, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हिप्स को बैक करते हुए, स्लोली स्लोली डाउन तरफ जाएंगे, हिप्स बैक करते हुए एकदम से डाउन नहीं जाएंगे, बहुत बढ़िया, टोस टच करेंगे आप हल्का बस, हाँ इतने, बहुत बढ़िया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हिप्स बैक रहेंगे धीरे धीरे आप सामने देखते हुए, स्लोली स्लोली स्लोली, बहुत बढ़िया, यहाँ से धीरे धीरे हिप्स आगे की तरफ, बहुत बढ़िया, आर्म्स को साइड से स्लोली डाउन 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 एंड रिलैक्स, लेग से किक करिए फ्रंट की तरफ, आर्म्स को वाइब्रेट करिए, देखिए वाइब्रेशन सीखिए, एक्सरसाइज और आसनाज के बाद जो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है ना उसको रिमूव करने के लिए, यही एक एसिड है जो पेन के लिए, अच्छे से करिए फ्रंट की तरफ, जितना सेक करेंगे उतना पेन कम होगा आपको, फुल बॉडी वाइब्रेट करिए, एटलीस्ट कभी कोई वार्म अप से रह जाता है ना कोई पार्ट तो फुल बॉडी आपकी वार्म अप हो जाती है, अच्छे से अच्छे से, चलिए इसके बाद धीरे धीरे सभी शवासन में जाइए, गैप ले लीजिए, आज तो मैट के काफ़ी है, एक एक गैप ले लीजिए, इन शवासन शवासन में एकदम सीधे मत जाइए, पहले लॉन्ग सीटिंग पोजिशन में आइए, वज्रासन में आइए, लेफ्ट साइड टर्न लीजिए और धीरे से शवासन में चले जाइए, 15 सेकंड रिलैक्स करेंगे, एक एक मिनट का गैप ले लेना, हल्का हल्का थोड़ा सा, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, चलिए सीधे लेट गए एकदम, दोनों पैर ज्वाइन करिए, आर्म्स को बैक के सपोर्ट पर लाइए सभी अच्छे से, बैक के सपोर्ट का मतलब पाम आपके फ्लोर से टच, हिप के नीचे लाइए, आगे चलिए साइकिलिंग मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज, कोशिश करिए एक पैर आपका फोल्ड तो एक पैर सीधा हो, 1, 2, ब्रीदिंग का खास ध्यान रखिए, नेक नहीं उठाइए, 3, 4, पेस पहले धीरे धीरे फिर मीडियम, 5, 6,
सेवन, फुल मूवमेंट करिए, फुल मूवमेंट करिए, थोड़ा पेस बढ़ाइए, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, बहुत बढ़िया, धीरे 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 डाउन डाउन डाउन, मीन्स शवासन में जाइए, एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए जाइए, हाँ हाथों को हटा दीजिए कमर के नीचे से, पाम अपवर्ड, फेस काम एंड टेक डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर से ज्वाइन कीजिए बोथ लेग को, आर्म्स को बैक की सपोर्ट पे लाइए, सेम देन एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिंग, पहले धीरे धीरे देन मीडियम देन फास्ट, कंटिन्यू, वन, ब्रीदिंग कनेक्ट करिए, ब्रीदिंग को कनेक्ट करिए, ऐसे सीधे मत करिए, थ्री, एक पैर सीधा रखिए, हाँ ऐसे बहुत बढ़िया, एक पैर जब आपको फोल्ड करो एक सी स्ट्रेट ले जाओ, हाँ एक स्ट्रेट, हाँ एक फोल्ड ये, हाँ नीचे से, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, स्लोली डाउन डाउन एंड रिलैक्स, रिलैक्स टाइम बिल्कुल रिलैक्स करिए, पाम हमेशा अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ रखिए पाम, हाँ तो इसके ऊपर रख लीजिए, हाँ पाम की दिशा ऊपर की तरफ, डाउन की नहीं रहेगी हमेशा, रिलैक्स टाइम बिल्कुल रिलैक्स करिए, चलिए नेक्स्ट करेंगे वन लेग क्लैप, एक सर के ऊपर क्लैप करना हाथ से, फिर एक पैर को फोल्ड करते हुए क्लैप, देन दूसरे ऐसे कंटिन्यू करेंगे 20 टाइम, चलिए रेडी स्टार्ट, वन टू, हाँ नेक भी उठा सकते हैं जो यंग एज है, थ्री, सांस छोड़ते हो आगे गर्दन उठा लो, हाँ फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे सर के ऊपर ये, हाँ हो नहीं पाएगा, हाँ आप इधर आइए ना, इधर आइए, इस पर कर लीजिए, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, 12, 13, क्लैप अच्छे से करिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स 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 रिलैक्स, देखिए क्लैपिंग से जितने भी आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं पूरे शरीर के वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं खाली क्लैपिंग से, ब्रीद इन करते हो जैसे रिलैक्स में जाना है तो हाथों से मुट्ठी बनाते रहिए, ये ढीला मूवमेंट नहीं करना आपको, मूवमेंट करते रहिए, कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहिए, छोटे छोटे मूवमेंट जिनमें थकते नहीं आप, सूक्ष्म क्रियाएं करते रहिए, गहरी सांस लीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, चलिए फिर से बोथ लेग ज्वाइन करेंगे, आर्म्स को बैक की सपोर्ट पे लाइए, बोथ लेग को रेस्ट करिए 20 डिग्री पर, दोनों पैरों को 20 डिग्री पर उठाइए और क्रॉस लेग करिए, अल्टरनेट क्रॉस लेग कैची, वन एक बार ऊपर की तरफ एक बार नीचे, जिनको नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं वो नेक भी आप कर सकते हैं, आप एब्डोमन से प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा आपका, फाइव कर क्रॉस 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 पहले, सिक्स हाँ ये सेवन, ब्रीदिंग नहीं होल्ड करनी, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बहुत बढ़िया, थोड़ा ब्रीदिंग अच्छे से लीजिए, वर्कआउट थोड़ा सा आज थकान वाला होगा, क्या हुआ सर्दी तो भागी गई है गहरी सांस लीजिए, चलिए बोथ लेग ज्वाइन करेंगे, दोनों पैरों को 10 डिग्री पर रेस करिए, दोनों आर्म्स को सर के ऊपर, अब फोल्ड करेंगे और अब दोनों पैर से क्लैप, फोल्ड करते हो बोथ लेग क्लैप, अब भी क्लैप करना है, फोल्ड करके भी क्लैप करना है, फ्लोर से टच नहीं करना, हाँ वेरी गुड, वन क्लैपिंग के साथ, टू थ्री क्लैपिंग एटलीस्ट करो आप, फोर, अगर पैर फोल्ड करके नहीं क्लैप हो पा रहे तो थाइस पे क्लैप करिए, थाइस पे क्लैप करिए, लेकिन सर के ऊपर क्लैप जरूर करिए, सेवन
एट, अभी नहीं हो पाया, पैर सीधे करो, नाइन टेन, पैर फ्लोर से टच नहीं करना, इलेवन ट्वेल्व, कंटिन्यू कंटिन्यू, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद ब्रीद इन, ब्रीद ब्रीद इन, ब्रीद। देखिए आप अगर 20 नहीं कर पा रहे, 10 करिए, लेकिन 10 पूरी एनर्जी के साथ करिए, उसमें चोरी नहीं करनी, गहरी सांस लीजिए, जरूरी नहीं है 20 करिए, लेकिन जितना भी करो उसमें 100% दीजिए। फिर से गहरी सांस, चलिए फिर से दोनों पैर ज्वाइन करेंगे, आर्म्स को बैक के सपोर्ट पर लाएंगे, फिर से रेज करेंगे 20 डिग्री पर, 20 डिग्री पर रेज करिए एटलीस्ट, देन अल्टरनेट अप एंड डाउन, हाँ एक पैर अप एक पैर डाउन, 20 डिग्री पे करिए, ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना, वन टू थ्री, ये उत्तान पादासन के वेरिएशन है ना सारे, फोर फाइव सिक्स, इन सर्दी के मौसम में वेरिएशन ज़्यादा फायदा करते हैं, एट नाइन टेन, लास्ट टेन, नाइन एट सेवन सिक्स, कंटिन्यू कंटिन्यू, फाइव फोर थ्री टू वन, बहुत बढ़िया, काफ़ी दिन बाद नंबर आया आज, रिलैक्स टाइम बिल्कुल रिलैक्स, फिर से गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस। अब जैसे बहुत लेग क्लैप किया था ऐसे बहुत नीज टच करेंगे, बस क्लैप नहीं करेंगे इसमें, दोनों आर्म सर के ऊपर जाएंगे, जब फोल्ड करेंगे तो अपनी नीज टच करनी है, पैर फिर 20 डिग्री पे चले जाएगा फोल्ड, यही कंटिन्यू 20 टाइम करेंगे। चलिए पहले बहुत लेग को रेज करिए 20 डिग्री पर, आप आर्म्स को सर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट, चलिए फोल्ड करते हुए नीज टच करिए, वन वापस टू, नेक सिर्फ वही उठाएंगे जिनको नेक में बिल्कुल भी पेन नहीं है या बैक में पेन नहीं है, नेक पेन है और बैक पेन है तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे नेक आप, फाइव सिक्स कंटिन्यू कंटिन्यू, सेवन एट नाइन टेन, कोशिश करिए पैर जमीन से टच ना हो, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, कंटिन्यू, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद ब्रीदिंग, देखिए ब्रीदिंग होल्ड मत करिए, ब्रीदिंग के पैटर्न के साथ करेंगे ना एक्सरसाइज तो अच्छा रहेगा, इनहेल करते हो आम सब, जब एक्सहेल करें तो अपने नीज को टच करिए, रिलैक्स टाइम बिल्कुल रिलैक्स करिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे सिंगल सिंगल लेग रेज, उसके लिए बोथ लेग ज्वाइन करिए, आर्म्स को बैक के सपोर्ट पे लाइए अच्छे से, लेफ्ट लेग को रेज करिए अप टू 90 डिग्री, सिंगल लेग उत्तान पादासन, लेफ्ट डाउन राइट अप, स्लोली स्लोली। अब ब्रीदिंग पैटर्न कैसे कनेक्ट करना है, इनहेल करते हुए लेग अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करिए, अप डाउन 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 अप डाउन। अब 10 डिग्री पर रेस करिए, यहीं से अप एंड डाउन करिए, नीचे नहीं रखना फ्लोर पे, अप डाउन अप 90 डिग्री पर डाउन अप डाउन। चलिए लेफ्ट लेग रेज करते हैं आप, राइट को डाउन, फ्लोर से टच, टोज पॉइंटेड, होल्ड 10 सेकेंड, होल्ड करते हुए ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, स्लोली डाउन, देन अदर लेग रेज, होल्ड 10 9 8 20 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कोशिश करिए, 7 6 5 4 3, हाँ जाओ
2, 1, then relax. मार्क कर जाना करो तो रिस्ट. डीप ब्रीदिंग आर्म्स को निकालिए, शवासन में जाइए, उनके रिलैक्स टाइम में खुद से शवासन में चले जाइए. पाम हमेशा ऊपर की तरफ, हील इनसाइड, टोज आउटसाइड एंड रिलैक्स. उधर उनसे पूछे ना जमील भाई से. चलिए रिलैक्स. अब देखिए नेक्स्ट मूवमेंट करना है, ऐसे सर के ऊपर आर्म्स ले जाना है. जब फोल्ड करेंगे तो हल्का सा जैसे बटरफ्लाई में फोल्ड करते हैं ना ऐसे, और अपनी टोच को टच करना है दोनों आर्म से. समझ लीजिए वापस 20 डिग्री पे जाएंगे. जब फोल्ड करेंगे तो अपनी पाम की फिंगर से टोच को टच करेंगे. रेडी? चलिए दोनों आर्म सर के ऊपर, रेज नहीं पैर जमीन पर रखने. चलिए स्टार्ट. इनहेल करते हुए आर्म्स अप, एक्सहेल करते हुए टोच टच. कंटिन्यू. 1, 2, टोच टच टोच टच टोच. हाँ ये फिर आप लीजिए, बहुत बढ़िया. फिर टोच टच करिए. 2, नेक्स्ट सिर्फ वही उठाएंगे जिनको पेन नहीं है. 3, 4, देखिए ब्रीदिंग पैटर्न के साथ करिए, ऐसे खाली मत करिए, थक जाएंगे आप. इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए फ्रंट. इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए फ्रंट. इनहेल अप, एक्सहेल फ्रंट. इनहेल अप, एक्सहेल फ्रंट. इनहेल अप, एक्सहेल फ्रंट. बहुत बढ़िया. कंटिन्यू. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. देखिए ये मूवमेंट्स आपके हार्मोनिकल डिसबैलेंस के लिए भी और किडनी के लिए बहुत अच्छा है. एब्डोमेन पे तो आ ही रहा है, साथ में किडनी के लिए बहुत अच्छा है आपकी. रिलैक्स टाइम बिल्कुल रिलैक्स करिए. और लंबी गहरी सांस लीजिए. जिनको यूरिनरी की प्रॉब्लम होती है ना, डिस्ट्रैक्ट रहता है, उनको कम से कम इसका अभ्यास 3 बार करें. इसी का अभ्यास, टोस टच. यूरिनरी प्रॉब्लम नहीं रहती रात में, ज्यादा बाथरूम आता है उनके लिए. हाँ ये रात को पानी ज्यादा, अरे तो कभी कभी हो जाता है. फिर से गहरी सांस लीजिए. रिलैक्स टाइम बिल्कुल रिलैक्स. चलिए फिर से बोथ लेग ज्वाइन, आर्म्स को बैक की सपोर्ट पे लाइए. पहले 20 डिग्री पर रेज करिए दोनों पैरों को, 20 डिग्री बाय बैक के सपोर्ट पे, बैक के सपोर्ट पे, हिप्स के नीचे. बोथ लेग को 20 डिग्री पर रेज करिए. चलिए धीरे धीरे 90 डिग्री पर इनहेल करते हुए सांस भरते हुए आप, सांस छोड़ते हुए डाउन आप. धीरे धीरे करिए लेकिन ब्रीदिंग के साथ करिए, विदाउट ब्रीदिंग नहीं करना आपको. ये मूवमेंट्स को हिस्सा बनाइए अपना. ब्रीदिंग के साथ करेंगे कभी नहीं थकेंगे आप, कोई इंजरी नहीं होगी. जहां ब्रीदिंग टूटी तो ही इंजरी के चांस है. झटका बिल्कुल मत दीजिए. जब लगे फास्ट कर सकते हैं फास्ट करिए, नहीं कर पा रहे हैं फास्ट धीरे धीरे करिए, कोई जरूरी नहीं है फास्ट करने की. अप डाउन, अप डाउन. हिप रेज नहीं करना, हिप फ्लोर से टच, हिप फ्लोर से टच रहेंगे आप. कंटिन्यू कंटिन्यू रखिए, रुक कैसे गए. 10, 9, अच्छा हाथ में लगी है, कोई बात नहीं, सिंगल सिंगल लेग रेज कर लो अभी आप. 8, हाँ आपके तो वैसे भी स्ट्रेंथ ही है ना, तो दोनों आर्म्स को साइड में लगा फिर उठाओ दोनों रेज. हाँ ऐसे, हाँ ये जरूरी थोड़ी है लेग. चलिए होल्ड करेंगे 90 डिग्री पर होल्ड. हाथ बैक के सपोर्ट पर लाओ, स्ट्रेंथ बनाओ. चलो कमर के नीचे, यहाँ रोको रोको, अरे कमर के नीचे, कमर के नीचे. तो कैसे स्ट्रेंथ, अभी तो तुम पहलवान बन रहे थे. चलो टॉर्च पॉइंटेड, रोके रोके. 10, 9, 8, ये ऐसे. 7, बस. 6, 5, अरे 4, 3, 2, 1. स्लोली. 10, 9, अभी तो इसमें अभ्यास नहीं हुआ, एडवांस कहाँ से करोगे. 7 स्लोली. रिलैक्स टाइम बिल्कुल रिलैक्स. देखिए उत्तान पादासन आपके नीज के लिए बहुत अच्छा है, जिनको वेरिकोज वेंस हो जाती है उनके लिए, पैर में जिनकी कमजोरी आ जाती है नस. इसका अभ्यास ये तो मैंने आपको सिर्फ 40 सेकंड कराया, इसका फ़ायदा लेना तो एटलीस्ट 15 मिनट आपको, 5 मिनट से लेके. फिर से गहरी सांस लीजिए. चलिए फिर से एक बार करेंगे, आर्म्स को बैक के सपोर्ट पर लाइए.
अब पहले 10 डिग्री फोल्ड करेंगे, 10 डिग्री फोल्ड करिए, टोज पॉइंटेड, स्लोली स्लोली 20, 30, नीज स्ट्रेट 40, 50, 60, 70, 80 एंड देन 90, होल्ड एटलीस्ट 20, 19, 18, 17, 16, देखिए पानी की बोतल साथ में रखा करिए गर्म पानी करके, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एकदम डाउन ही, स्लोली स्लोली कंट्रोल, ये तो कंट्रोल होता है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, then relax. Relax, relax, relax. Deep breathing. Breathe out. देखिए फिर भूल गए, मूवमेंट्स करते रहिए, मुट्ठी बनाते रहिए अपने हाथों से, ये छोटे छोटे अभ्यास करते रहिए, टोच का मूवमेंट करिए. इस सर्दी में मूवमेंट जरूर रखिए बॉडी के अंदर, ब्लड का फ्लो होता रहना चाहिए. चलिए नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन का वेरिएशन. उसके लिए बोथ लेग जॉइन, इनहेल करते हुए पहले लेफ्ट लेग को घिसराते हुए लाइए, एक पैर पहले, फिर दूसरा पैर, फिर दोनों पैरों को उठाइए, फिर देन अपने आर्म्स लाइए, अपनी नीज को होल्ड करिए, लंबी गहरी, फिर गर्दन उठा ली, लंबी गहरी सांस भरिए, आप छोड़ते हुए सांस को आगे जाइए. हाँ हमेशा ध्यान रखिए, एकदम मत क्या करिए. वन कंटिन्यू, ब्रीद इन करते हुए बैक टच, सांस छोड़ते हुए अपनी हील को टच करिए फ्लोर से. कंटिन्यू कंटिन्यू, थ्री फोर फाइव, ब्रीदिंग के साथ, ब्रीदिंग के साथ, विदाउट ब्रीदिंग मत किया करिए अभ्यास कोई भी. ब्रीद इन करते हुए बैक टच करिए, ब्रीद से छोटी छोटी सांस लीजिए, लेकिन लीजिए छोटी छोटी भी बहुत अच्छी है. विदाउट ब्रीदिंग कंटिन्यू मत करिए, और खास करके 30 प्लस तो बिल्कुल मत करिए. लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 के साथ नीच को नहीं छोड़ना एकदम. पहले बैक टच करिए, नेक टच करिए फ्लोर से, और पैरों को होल्ड रखिए. हमेशा बैक आपकी सेफ रहेगी. होल्ड रखिए, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए. सबसे पहले रिलैक्स टाइम में बिल्कुल रिलैक्स करिए, और कोशिश किया करिए आइज से हमेशा विदाउट ब्लिंक 10-10 सेकंड की बढ़ाने की. ऐसी कैपेसिटी बढ़ाइए अपने आइज की, महसूस करिए ना, ब्लिंकिंग हमारी बहुत फास्ट होती है, कभी कभी तो ट्रिपल मार देते हैं. इसको कम से कम कीजिए, उतनी आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी आइज की, ध्यान बढ़ेगा आपका. एक चीज पर फोकस किए किसी पे भी, ऊपर जिस पे फोकस करना है, और विदाउट ब्लिंक उसको देखने की कोशिश करिए. आंखें बंद कर लीजिए, फिर 15 सेकंड देखिए, फिर ब्लिंक, फिर 15 सेकंड देखिए. ये अभ्यास घर पे भी किया करिए आप बीच बीच में. चलिए दोनों हाथ हटाएंगे, पहले हिप्स के पास लाएंगे, एडिया टच करते हुए राइट लेग को घिसराइए धीरे धीरे, देन राइट लेग को स्लोली स्लोली. अब देखिए बहुत बढ़िया, देन शवासन में चले जाइए एंड डीप ब्रीदिंग. अब दोनों पैर से सर्किल करना है, लेकिन अलग अलग, राइट वाला राइट की तरफ, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ, 90 डिग्री से बनाते हुए पहले फ्लोर की तरफ मिलाएंगे, फिर 90 डिग्री पहले क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है. चलिए उसके लिए आर्म्स को बैक की सपोर्ट पे लाइए, जितना बड़ा कर सकते हैं. चलिए नीचे से दोनों पैरों को अलग ले जाएंगे और 90 डिग्री पे ज्वाइन करेंगे, फिर 90 डिग्री से 10 डिग्री पर लाएंगे, फिर साइड ब्रीदिंग के साथ इनहेल करते हुए 90 डिग्री तक लाइए, एक्सहेल करते हुए वापस ले जाइए. 1, 2. बैक हमेशा, अगर आपको सेफ रखनी है बैक के नीचे रखिए आर्म्स को, अदनान तुम रखो करो, हमेशा बैक के नीचे सेफ रहेगी. हाँ अपने अकॉर्डिंग करिए, आप काउंटिंग पे ध्यान मत दीजिए, ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए. ब्रीदिंग छोटी पड़ गई ना तो थक के नीचे आ जाएंगे. 8, 9, ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए. 10 के बाद रिलैक्स करिए. अभी रिवर्स भी तो कराना है, इसी का रिवर्स.
अब जैसे 90 डिग्री से नीचे की तरफ लाए थे, अब 10 डिग्री से 90 डिग्री पर जाएंगे, फिर चेंज करेंगे अदर साइड। चलिए इसी का रिवर्स करिए। वन, ब्रीदिंग के साथ टू, आधा हिस्सा इनहेल आधा हिस्सा एक्सहेल, बहुत बढ़िया। थ्री, आपकी हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा है, जिनको भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है अपने शरीर की, हिप ओपनिंग बहुत जरूरी है। फाइव, सिक्स, देखिए 40 प्लस की तो कहेंगे नहीं लेकिन 40 डाउन तो कर सकते हैं। सेवन, एट, बहुत बढ़िया। नाइन, टेन, भाई वाह, रिलैक्स 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 टाइम, बिल्कुल रिलैक्स करिए। लगे भाई तो बड़ी कहते थे सवासन में भेज दो अपना लो सवासन में चलिए दोनों आर्म्स को फ्लोर से टच करिए, साइड से मतलब शोल्डर के पैरेलल, पाम फ्लोर से, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, दोनों पैर ज्वाइन करेंगे। देख गर्दन मत उठाया करिए एकदम, राइट लेग को फोल्ड करिए घिसराते हुए, देन लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, दोनों पैरों में गैप करिए, हिप से दूर रखिए, नेक को पहले राइट साइड रखो और राइट की नीज से लेफ्ट की एडी टच करो, ये मूवमेंट थोड़ा चेंज कर लो बाद में, ऐसे टच करने की कोशिश करिए। टेन, नेक अपोजिट साइड, नेक अपोजिट साइड, आर्म शोल्डर्स के पैरेलल, वापस आएंगे स्लोली स्लोली, नेक को धीरे धीरे लेफ्ट साइड ले जाएंगे और अब लेफ्ट के नीच को राइट की एडी के साथ, ये आपकी बैक प्लस किडनी के लिए भी अच्छा है, इनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है डायबिटीज की, उनके लिए भी अच्छा है। छोटे अभ्यास हैं लेकिन काफ़ी इफेक्टिव। जो फ्लोर से टच नहीं कर सकते नेक के नीचे ले आइए, आपको जरूरी नहीं है कि साइड से खोलें, नेक के नीचे ऐसे चेंज करते हो अदर साइड। चलिए अब इसको इसी को फास्ट करेंगे, इनहेल करते हो राइट, एक्सहेल करते हो फ्रंट, इनहेल करते हो लेफ्ट, एक्सहेल फ्रंट, पेस बढ़ाइए। वन, लेकिन ब्रीदिंग के साथ, ब्रीदिंग नहीं टूटनी चाहिए। फोर, नेक भी तो चलेगी साथ में। सिक्स, सेवन, और फास्ट। एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13, बैक पेन वाले धीरे धीरे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हाथ होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। 5, 4, 3, 2, 1, देन अदर साइड, स्ट्रेच करते हुए, होल्ड, 5, 4, 3, 2, वन, देन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। याद है आपके सात मरकट आसन, है किसी को याद? एक दिन कराए थे बीच में तो कभी पेन लगे पेट की नहीं करनी है तो बैक में सात तो मरकट का अभ्यास घर पे किया करिए। चलिए बोथ लेग को ज्वाइन करिए और धीरे से पेट के बल आ जाइए। मकरासन, हमेशा लेफ्ट या राइट साइड टर्न से, फेस मेरी तरफ करिए सभी, फेस इधर की तरफ, जिधर कैमरा है फेस इधर कर लीजिए, हमेशा लेफ्ट नीचे राइट अप, ये दही नियम बना लीजिए आप, लेफ्ट आर्म हमेशा नीचे रहेगा आपका, राइट उसके ऊपर। चलिए नौकासन का वेरिएशन करेंगे, फर्स्ट दोनों पैर ज्वाइन, दोनों आर्म सर के सामने बिल्कुल, पाम अभी फ्लोर से टच, इनहेल करते हुए दोनों पैर दोनों आर्म्स को साइड से, चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए, एक्सहेल करते हुए डाउन, बहुत बढ़िया। अप, फुल ब्रीदिंग, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, ये तो यहाँ उस पर आ जाओ, अप, डाउन, झटका बिल्कुल नहीं देना, अप, अप मीन्स इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल, डाउन, अप, डाउन, बस जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है वो ऊपर नहीं उठेंगे, बाकी सभी अप डाउन अप, सिर्फ हार्निया वाले पेशेंट ज़्यादा ऊपर मत उठिए, बहुत कम, बहुत लो लेवल पर, बाकी सभी करिए, सिर्फ हार्निया वाले पेशेंट अवॉइड करेंगे। डाउन अप डाउन अप डाउन, कैसे ढीले पड़ गए, अप डाउन। चलिए आपके साथ होल्ड करेंगे, होल्ड
होल्ड मतलब पोजिशन होल्ड, ब्रीदिंग ओनली। चलिए आप फिंगर्स क्ली हुई, देखिए बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ब्रीदिंग जब तक मैं ना कहूँ तब तक होल्ड मत करिए। हार्ट वाले तो कभी होल्ड मत करिए, मैं बोल भी दूँ जब भी होल्ड मत करिए। हाई बीपी वाले जिनको बहुत हाई रहता है वो भी मत करिए होल्ड। सांसें लेते रहिए, कंट्रोल रखिए बॉडी पर। फिंगर्स खुली हुई पूरी टाइट खोल के, जितना टाइट करेंगे उतने बॉडी एक्टिव रहेगी आपकी। बहुत बढ़िया। 5 4 फेस काम, सामने देखिए बिल्कुल। 7 6 5 4 3 लैंडिंग सॉफ्ट, लैंडिंग सॉफ्ट, लैंडिंग सॉफ्ट, सॉफ्ट, सॉफ्ट। बहुत बढ़िया भाई, वाह। ये हुई ना बात, अरे तुमने तो नहीं किया, बहुत धीरे धीरे बस होल्ड करो, धीरे धीरे दोनों पैर मिलाओ, माथे पे रखो फोरहैंड, और बहुत धीरे धीरे आप जाओ हाथ एक्सटेंड करते हुए, बाकी रिलैक्स करिए। अब जाओ अंदर, हाँ कम हाथ खोलो पूरा, नहीं हाथ ये रखो, बैग उठाओ, उठाओ उठाओ यहीं से उठाओ, कमर धीरे धीरे इसी में होल्ड रखो 15, ये 5 बार करना। चलिए बाकी सभी दोनों आर्म्स को प्लैंक के लिए लाएंगे, एल्बोज पे आइए। सॉरी, कल हिप अप डाउन किया था, आज हिप डिप करेंगे, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड, याद है सभी को? चलिए टेम्पल मुद्रा जरूर लीजिए, ठीक है? टेम्पल मुद्रा एनर्जी बनाती है बॉडी के अंदर, कभी भी आप खाली बैठो तो टेम्पल मुद्रा जरूर लीजिए। रेडी? चलिए पहले हिप कॉप करिए, हिप राइट साइड ले जाइए वापस लाइए, लेफ्ट साइड ले जाइए वापस लाइए। ब्रीदिंग कनेक्ट कैसे करनी है? इनहेल करते हुए राइट, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए लेफ्ट, एक्सहेल करते हुए वापस। अगर फास्ट मूवमेंट आ रहा हो तो ब्रीदिंग को फास्ट करिए, धीरे धीरे कर रहे हैं तो ब्रीदिंग को लंबा करिए। बहुत बढ़िया। 5 6 7 8 एटलीस्ट 5 बार धीरे धीरे, कम ऑन, ब्रीदिंग ओनली करनी। यहाँ पर सर लो आ रहे, हाँ बस बहुत धीरे धीरे, कंटिन्यू कंटिन्यू, होल्ड भी तो करना है, होल्ड होल्ड होल्ड। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 जो लगा के 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1 भाई बहुत बढ़िया। रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स। देखिए ये मैं डेली इसलिए कराता हूँ, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, आपका हार्ट साथ नहीं छोड़ेगा, शरीर साथ छोड़ेगा। रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स। अब महसूस करिए अपनी हार्ट बीट को, देखिए इसका पंपिंग तेज होना बहुत ज़रूरी है, ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, नॉर्मल उसमें होगा भी नहीं जब तक थोड़ा सा विग्रस एक्टिविटी नहीं करेंगे आप, और उसके लिए सबसे अच्छी यही है प्लैंक। ये आपके कोर के लिए भी बहुत बढ़िया है, कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए। दिल के दर्द की कोई दवा है? किसके? दिल के दर्द की। चलिए बोथ लेग ज्वाइन करिए, बोथ लेग ज्वाइन करिए, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे आर्म्स को, शोल्डर्स के पैरेलल, आर्म्स को शोल्डर्स के पैरेलल, पाम फ्लोर से टच, नेक को राइट साइड रखिए, राइट लेग को रेज करिए और लेफ्ट की साइड ले जाइए। नीज फोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा एब्डोमिन से प्रेशर ज्यादा लेना हो तो राइट राइट। 10, नेक चेंज मत करो, कमान होल्ड करो। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 देन रिलैक्स, चेंज देन अदर साइड, चेंज करिए, चेंज करिए, चेंज करिए, चेंज करिए, अगर दिन उठानी, चेंज करिए, चेंज करिए, हाँ कम, बस खाली ये पैर उठाना है ऐसे, हिप उठाओ, हिप उठाओ, हिप हिप नहीं, गर्दन नीचे, हिप उठाओ दोनों, हिप उठाओ, ये नीच से उठाओ, स्ट्रेट करो, अरे नीच उठाओ, दोनों उठाओ ऐसे, हाँ धीरे धीरे डाउन ऐसे, अब अप करो, कम से कम 15 सेकंड रोको, हाथ को नॉर्मल छोड़ दो ऐसे, इसको आगे लगा लो हाथ पे, ठंडा नहीं लगना चाहिए, बस नॉर्मल रखो, माथा यहाँ रखो, बस ये उठाना, वापस आइए, फिर से एक बार स्ट्रेच करिए सभी, इसके बाद प्लैंक करना है, अच्छे से रिलैक्स करिए। आ रहे हैं? प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, बढ़ाओ, डाउन लाओ,
अब 10-10 सेकंड होल्ड करके इसको कम से कम करो 10 बार, ऐसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी इसकी। धीरे 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 धीरे, कोई जर्किंग नहीं ना। आप ले जाओ, यहाँ होल्ड करो और ऊपर और ऊपर, यहाँ प्रेशर डालो। चलिए रेडी, गहरी सांस लीजिए, एल्बोस पे आ जाइए, एल्बोस पे आ जाइए, टेंपल मुद्रा लीजिए 1 मिनट के लिए। नहीं, 1 मिनट, 10 सेकंड। चलिए 1 मिनट 10 सेकंड करेंगे। रेडी? आवाज नहीं आई अभी सभी की। रेडी? रेडी? चलिए 1, 2, 3 स्टार्ट होल्ड। 1, देखिए सब अपनी पूरी एनर्जी के साथ, 2, 3 गर्दन नीचे कमरन, 5, 6 हिप डाउन करिए, हिप डाउन करिए, हिप डाउन करिए, हिप डाउन करिए, 7 हिप डाउन करिए, 8, 9 इतना भी डाउन नहीं करना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 थोड़ा सा वेरिएशन। अब सभी पेट को अंदर लीजिए, खींच के पेट को अंदर रखिए 10 सेकंड। नेक्स्ट अंदर की तरफ, सांसें होल्ड नहीं करनी, 10, 9, 8 टाइट थोड़ा, 7 टाइट अंदर ले जाओ पेट को, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पेट को छोड़ दिए नॉर्मल, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए, 1, 2, 3, 4 रिलैक्स कर, फिर उठिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लास्ट 20, 19, 18, 17, 16 रिलैक्स कर, फिर करिए कोई बात नहीं, 14, 13 चलो उठिए, लास्ट 10 सेकंड है, 12, 11, 10 कंटिन्यू 9, 8 कंटिन्यू मेरे काउंट का, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1 बहुत बढ़िया रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए धीरे सवासन के लिए आ जाइए, थोड़ी देर के लिए सभी सवासन के लिए आ जाइए, 20 सेकंड सवासन में रिलैक्स करेंगे, हील इनसाइड टू आउटसाइड, ढीला छोड़ दीजिए एकदम काम। नहीं, कैप पहले रखिए, बॉडी हमेशा गर्म रखिए, पसीना ठीक है इसके अंदर, ठंडी लगेगी, कमरन करते रहो, चलिए बोथ लेग को ज्वाइन करिए, लेफ्ट साइड टर्न लीजिए और धीरे से उठ जाइए, लेफ्ट साइड टर्न लेते हुए सीधे नहीं उठेंगे, ये ध्यान रखिए, मैं डेली बोलता हूँ एनर्जी लगती है। चलिए दोनों पैरों को सेक करिए लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में, फेस मेरी तरफ और महसूस करिए, रिलैक्स फील करिए, कम ऑन पैर नहीं चलाओ, नेक्स्ट दोनों पैर ज्वाइन, आर्म्स चेस्ट के पास, चेस्ट के पास, यहाँ ऐसे, धीरे धीरे उठो 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 नेवल पॉइंट तक, ये यहाँ रोको 20 सेकंड, वापस बहुत धीरे धीरे 20 सेकंड, सांस नहीं रोकनी, सेक करिए। चलिए धीरे से सुखासन के लिए आ जाइए, छोटी छोटी स्ट्रेचिंग है, इसका अभ्यास जरूर किया करिए, स्ट्रेचिंग में सुखासन मीन्स किसी भी कंफर्टेबल में, आलती पालती ट्विस्ट करिए राइट साइड बैक को, स्पाइन को राइट साइड ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट का मतलब ब्रीदिंग होल्ड नहीं, ब्रीदिंग लेते रहिए, हाँ, 5, 4, 3, 2, 1 स्लोली वापस, बहुत बढ़िया, चेंज करते हो अदर साइड, आर्म्स को मैं से बैक के, यहाँ अब खींचो इससे, ये स्पाइन ट्विस्ट, 5, 4, 3, 2, 1 देन स्लोली वापस,
ये हो गई पहली स्ट्रिंग स्पाइन की। अब स्पाइन को स्ट्रेट स्ट्रेच करना है, दोनों फिंगर्स को ज्वाइन करिए सामने की तरफ, स्ट्रेच अप ले जाइए, पुश करिए ऊपर की तरफ, ब्लिंकिंग पर ध्यान दीजिए सामने, फेस एकदम लाइट, चेहरे पर स्माइल बनी हुई है आपके, पुश करिए आपकी तरफ और आप हाथ पीछे की तरफ जाएं नेक से आपके, इतना स्ट्रेच, नेक डाउन नहीं, नेक अप। हाँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इरेक्ट रखते हैं, यहाँ ये नेक, यहाँ यहाँ से पुश, नेक सामने, अब हुआ ना सही, 7, 6, 5 पुश, 4 ये, 3, 2 वरना फोल्ड करते हो नेक के पीछे ले आइए ऐसे। अब देखो थोड़ी सी ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे कैसे, ऐसे ज्वाइन करिए पहले, इनहेल करते हो स्ट्रेच करना है ऐसे, ब्रीद आउट करते हो ज्वाइन, कंटिन्यू ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू रखिए। जब पीछे स्ट्रेच करते हो पूरा स्कैपुलर रीजन आपका स्ट्रेच होना चाहिए, इनहेल सामने की तरफ, ये लंग्स के लिए बहुत अच्छी है आपके, जिनको ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनके लिए, शोल्डर फ्रोजन के लिए, और सर्वाइकल वॉल जो स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए। ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी अच्छा हो जाएगा, फेस काम, आइज से हमेशा सामने की तरफ देखिए विदाउट ब्लिंक। मैं कितनी बार कह रहा हूँ आपसे रेगुलर, जितना अभ्यास इसका बढ़ाएंगे उतना ध्यान बढ़ेगा आपका, आइज की कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी, पानी आ रहा है आने दीजिए आँखों में, धीरे धीरे डेली। चलिए स्ट्रेच करते होल्ड करेंगे स्कैपुलर रीजन को, 10 सेकेंड, लुक अप स्काई की तरफ देखिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स, रिलैक्स टाइम बिल्कुल रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब सभी सूर्य मुद्रा लीजिए, जिसको समझ में नहीं आ रही हो पूछ लीजिए एक बार, सूर्य मुद्रा। हाँ, पाम हमेशा ऊपर की तरफ, बैक स्ट्रेट, बैक स्पाइन हमेशा स्ट्रेट, पीछे की तरफ पुश करते हुए। चलिए कोशिश किया करिए सीधे रहें आपके हाथ हमेशा, फोल्ड रहते हैं ना एनर्जी नहीं बनती। हाँ रेडी, चलिए कपालभाति का अभ्यास करेंगे पहले धीरे धीरे, कभी कितने भी अभ्यास आपको तेज हो हमेशा धीरे से स्टार्ट करिए, फिर पेस बढ़ाइए, फिर मैक्सिमम पेस लाइए, फिर एकदम से डाउन नहीं, फिर मीडियम पे लाइए, फिर डाउन। चलिए रेडी स्टार्ट, 1 सेकेंड 1 बीट, सिंपल, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं हम, आंखें खोल के करें तो फिर से सामने किसी ऑब्जेक्ट को देखिए बिल्कुल अपने सामने, और विदाउट ब्लिंक उसको महसूस करिए, कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहिए करते रहिए। स्पाइन, हाँ ऐसे, ये बात, ये दोनों ज्वाइन, हाँ स्पाइन टाइट टाइट, ये खुले हुए चेस्ट आप सामने, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ पेस बढ़ाइए पेस बढ़ाइए, पेस बढ़ाने का मतलब पेट पर भी प्रेशर बढ़ाइए, इनका अभ्यास अच्छा हो गया है। इनहेल कर लो एक्सहेल कर लो, मतलब अंदर जाते से मत लेते, छोड़ते हुए प्रेशर डालना, वो इनहेल करोगे ना तो बस तरीका हो जाएगा, नहीं छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए पेट अंदर, एक्सहेल की वो इनहेल की नहीं आएगी, देखो ऐसे आपका क्या रहा, ऐसे कर रहे हो, हाँ ये बहुत बढ़िया, ये नाक से छोड़ो, हाँ अब है ना, अच्छा नाक से छोड़ो, नाक से छोड़ो, मुंह बंद, हाँ बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, पेस अपने अकॉर्डिंग बढ़ाइए, बढ़ाते हुए जाइए बढ़ाते हुए जाइए, खाली स्पीड नहीं बढ़ानी, पेट पे प्रेशर बढ़ाना है, आप मैक्सिमम ले जाइए, बैक स्ट्रेट रखिए आप, हाँ सीधा रखिए हाथ थोड़ा और ऊपर, जी हाँ इतना सीधा होना चाहिए, हाथ सीधे होने चाहिए भाई, वाह बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे कमर, अब धीरे से कमर के बल लेट जाओ, लेफ्ट साइड टर्न लो, धीरे 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 कमर के बल लेट जाओ,
पवन मुक्तासन करना हाफ वाला, और एकदम देखो हो गया ना डाउन। अरे भैया धीरे धीरे, कितनी बार काम है ना, पहले मीडियम स्पीड में लाओ, फिर स्लो स्लो, देन डाउन। पेस को जिस तरह बढ़ा रहे हैं पेस को उसी तरह घटाइए, उसे इनवॉल्व मत बनिए, एकदम धीरे 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 धीरे। हाँ फिर पेस को कम करते हुए आइए, खुद ही पेस को मीडियम, एकदम से डाउन नहीं करना, धीरे 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 धीरे। लास्ट जब जाए तो बिल्कुल स्लो, सिंग गर्दन कभी नहीं उठानी। पवन मुक्तासन उनके लिए गर्दन उठानी जिनको बैक पेन नहीं होता। पैर लेके लो, पहले एक पैर से करो, हाँ सीधे ले जाओ, खींचो इसको टाइट, हाँ खींचो पूरा टाइट, फेस काम हो गया, रिलैक्स करिए, हाँ रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए थोड़ा बस अभ्यास करेंगे, सूर्य वेदी प्राणायाम का। राइट आर्म्स को लाइए, विष्णु मुद्रा लीजिए पहले, लेफ्ट से सूर्य मुद्रा, इनहेल बाय लेफ्ट, अपनी रिंग फिंगर से लेफ्ट को क्लोज करो, लेफ्ट 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 नोस्टिल, लेफ्ट नोस्टिल। राइट से सांस लीजिए और लेफ्ट से सांस छोड़िए, इनहेल बाय राइट नोस्टिल, हाँ एक्सहेल बाय लेफ्ट, इनहेल बाय राइट, एक्सहेल बाय लेफ्ट, इनहेल बाय राइट, एक्सहेल बाय लेफ्ट। 20 के बाद आपकी सूर्य नाड़ी डेवलप हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। सूर्य नाड़ी जब तक एक्टिवेट रहेगी तब तक बॉडी आपकी हीट रहेगी। ठीक है, इसका अभ्यास जब आप गरिष्ठ भोजन खाएं, बहुत ज्यादा गरिष्ठ कुछ भी, तो उस टाइम इसका 2 मिनट पहले इसका अभ्यास कर लीजिए आप, सूर्य नाड़ी का। सूर्य नाड़ी जब तक आपकी चलेगी जब तक आपका डाइजेशन बहुत फास्ट रहेगा, कोई भी गरिष्ठ भोजन बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा। कभी आपकी बॉडी हीट हो तो इसका विपरीत, लेफ्ट नाड़ी, लेकिन वो सर्दियों में नहीं करते, लेफ्ट मतलब चंद्र नाड़ी, नहीं राइट से लेना है लेफ्ट से छोड़ना है, दाहिनी नासिका से सांस लेना है और बाई नासिका से छोड़ना है, वो कब बताया मैंने उसका पोजिशन बताया। अभी सीधे नाक से लीजिए और बाई नासिका से छोड़िए, हमेशा सीधा हाथ यूज करिए। राइट राइट आर्म्स, जल्दी है जाने की। चलिए रिलैक्स करिए, और भ्रामरी प्राणायाम के लिए देखिए, भ्रामरी प्राणायाम इसमें भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। मेन आपका एक्टिवेट होनी चाहिए आपकी न्यूरॉन्स, और सांस के साथ ब्रीदिंग फास्ट नहीं करनी, बहुत स्लो जितना आप महसूस कर सके, धीरे धीरे। वॉइस फास्ट पे कोई वो नहीं है, बहुत स्लो स्लो स्लो, थोड़ा मैं बढ़ाऊँ, बीच बीच में चेक किया करो, यहाँ रख के कंपन होना चाहिए, बस इतना पेस होना चाहिए। हाँ हाथ बीच बीच में यहाँ रखा करो, कंपन होना चाहिए, इतना पेस होना चाहिए, ये कंपन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और कम करो वॉइस कम करो, ये जितनी वॉइस कम करेंगे उतना अच्छा लगेगा। कितनी कितनी बार कर लिया, एक बार रुको, सिंगल लेग्स नहीं, पहले दोनों पैर जॉइन, एक पैर फोल्ड करो घिसराते हुए, स्ट्रेच करो, फिर दूसरा लाओ, दोनों उठाओ, स्ट्रेच करो दोनों हाथ से, गर्दन बिल्कुल नहीं उठानी, कम से कम 10 सेकेंड फेस काम रखो, सांसें रोकनी नहीं, हाँ बस इसको खींच के रोको, बहुत बढ़िया। उसके बाद धीरे से सभी शवासन के लिए चले जाएंगे, शवासन के लिए जाइए, टोप आए तो पूरे कान कवर कर लीजिए, मफलर हो तो मफलर लगा लीजिए, जैकेट हो तो जैकेट इन कर लीजिए, एटलीस्ट खुद को गर्म रखिए। चलिए 2 मिनट का शवासन करेंगे, फिर सीधे लेट गए। देखिए लाइफ में इसका हिस्सा बना लीजिए, हमेशा राइट साइड टर्न या लेफ्ट साइड टर्न से ही लेटिए, बैक सेफ रखनी है,
चाहे आप कितने ही बड़े एथलीट हो, कितने ही बड़ी आपकी बैक आपकी स्ट्रोंग हो, ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल, एकदम कैम। बिल्कुल लूज, कोई मूवमेंट शरीर के अंदर नहीं। एटलीस्ट एक मिनट करिए, लेकिन ऐसा मूवमेंट करिए जिसमें कोई मूवमेंट ना हो सिर्फ ब्रीदिंग के अलावा। सारा तनाव ब्रीदिंग के साथ आउट करिए। सिर्फ थिंकिंग ऐसी देनी है अपने आप को कि धीरे धीरे जितना पेन जितना तनाव आपके शरीर के अंदर है धीरे धीरे शरीर से बाहर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उसी चीज़ पे वर्क करेगा। जितना भी पेन होगा वो धीरे धीरे बाहर करना शुरू कर देगा। और महसूस करिए जैसे जैसे सांस ले रहे हैं वैसे वैसे एक नई ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर आ रही है। फील करिए, फील करिए, सारी निगेटिविटी जा रही है और एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। फील रिलैक्स 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 रिलैक्स। धीरे धीरे सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे श्वास छोड़ रहे हैं। स्लोली स्लोली ब्रीथ इन, स्लोली स्लोली ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, एनर्जी इन, ब्रीथ आउट, स्ट्रेस आउट, ब्रीथ इन, एनर्जी इन, ब्रीथ आउट, स्ट्रेस और अब एक मिनट के लिए उस चीज का ध्यान लगाइए, उस गॉड या लाइट जिससे भी आपको रिलैक्स फील होता हो, एनर्जी मिलती हो, उसको महसूस करिए अपनी आंखों के सामने। कोई भी एनीथिंग उसी वस्तु उसी चीज कुछ भी जो भी जिस आकृति जिस स्पेस में हो शेप में हो उसको महसूस करिए। वो आपके सामने है, और एक मिनट के लिए कनेक्ट होइए उसके साथ, महसूस करिए और फील कीजिए। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब फिरे फिरे अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर केंद्रित करिए और महसूस करिए अपनी पूरी बॉडी को। फील करिए, एक एक पार्ट्स को फील करिए, एक एक ऑर्गन्स एक एक सेल्स महसूस करिए। बिल्कुल रिलैक्स हैं, एकदम काम, बहुत लाइट, कितना हल्का हो गया मेरा शरीर। फील करिए और धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे
अपनी टोज का मूवमेंट करेंगे स्लोली स्लोली, जितना धीरे धीरे कर सकते हैं, अपने हाथों की फिंगर्स का, और धीरे धीरे मूवमेंट्स को बढ़ाते जाएंगे, नीज, अपनी थाइज, अपनी एल्बोज, अपनी नेक। और जब मूवमेंट बढ़ जाए, आईज कभी मत खोलिए, मत खोलिए, एनर्जी अगर आपको गेन करनी है। दोनों आर्म्स को रब करिए अच्छे से, अच्छे से रब करिए, हल्का हल्का, बस छूना नहीं इनको, अच्छे से रब करिए, घिसिए आपस में, घिसिए आपस में, जितना घिसेंगे उतना चमकेंगे, अच्छे से घिसिए। और तुरंत आंखों पे रखिए, हमेशा आंखों पे रखिए, फेस पे नहीं रखना, एकदम गरम गरम आंखों पे रखिए, आंखें खोल दी। फिर से करिए, एटलीस्ट 3 times करिए, डेली करा रहा हूँ, ये आपका चश्मा हट जाएगा, जिसको भी लगाए, आंखें स्वस्थ रहेंगी, चश्मा भी ना हटे तो। बहुत लाइट प्रेशर, मतलब उसकी गर्माहट, प्रेशर नहीं फील करना, उसकी गर्माहट महसूस करिए। फिर धीरे धीरे फेस पे लाइए, आंखें जब भी नहीं खोलनी, फेस को रब करिए अच्छे से, अपने नेक को रब करिए, हटिए, अपने शरीर को तो रब करिए, पूरे शरीर को, हाँ, हाथों को रब करिए, अपने फिंगर्स तक को रब करिए, अपने एब्डोमेंस, अपनी थाइस, पूरे शरीर पर एक बार आपके आर्म्स का मूवमेंट हो जाना चाहिए, आपकी पाम का। देखिए सारी एनर्जी आपके पाम से चलती है, आपके शरीर की खुद की एनर्जी अपने शरीर को दीजिए, एक एक टोज, पैर की टोज तक ना बचे, पूरे पैर को अच्छे से रब करिए। फिर लास्ट में जितना स्ट्रेच कर सकते हैं मैक्सिमम, लेट के स्ट्रेच करिए, जैसे अंगड़ाई लेते हैं, अंगड़ाई बहुत अच्छी होती है, ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कर देगी आपके, पूरा स्ट्रेच करिए। एक बार राइट साइड लीजिए, चाहे लेफ्ट लीजिए, ऊपर नीचे जैसे भी स्ट्रेच करना हो। और जब अच्छे से स्ट्रेच हो जाए तो आंखें अगर 5 seconds में खुल रही है तो 10 seconds में खोलिए, धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे खोलेंगे, 10 नहीं तो 15 ले लीजिए। और जब आंखें धीरे धीरे खुल जाए तो अपने राइट साइड टर्न लीजिए, धीरे धीरे राइट साइड टर्न, राइट राइट राइट, स्लोली आप धीरे से बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, चलिए टुडे सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू।